पूरा गर्मी बिता दे लघारे, जाड़ा में जाता रह नौकरी तू करे, हमरा आगे ऐसन्ना मामला तू खाड़ करके जाए राजा, जातरत जाड़ के जुगाड़ करके जाए राजा, जातरत जाड़ के जुगाड़ करके जा। नमस्कार प्रणाम, हम बानी जिला टॉप और स्वागत कर रहा बानी रवा सभी लोगन के। जी हाँ, खाटी भोजपुरी के, ठेठ भोजपुरी के और बड़का भोजपुरी के बड़का शो जेकर नाम बा जिला टॉप। और हम बानी राउर साथ है अश्मिता सिंह राजपूत। तो रवा लोगन के बता दी कि न्यूज़ 24 के एक खास पेशकश बा, जी हाँ, जेमे हमने के रवा लोगन के भोजपुरी खबरन से अप टू डेट करावे नहीं जा। वैसे रउआ लोगन के बुझा गए हो कि आज के हमार कहानी का हुई। अरे भैया, हम रउआ के बतावे जा रहा बानी भोजपुरी जगत के, जी हाँ, जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनका दिल के रानी आम्रपाली। जी हाँ, उनका एगो गाना आयल रहे। अरे दैया, हम बतावत तनी तनी, अरे सब्र कर ली। जी हाँ, रउआ के हम बता दी, उनका गाना आयल रहे, जातरत जाड़ के जुगाड़ करके जा। ये गाना सुपर डुपर हिट हो गल बा। जी हाँ, एक एक करोड़ों व्यूज मिल चुकल बा और गाना के दर्शक लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते रहन जा। और सबसे खास बात रहुआ लोगों के हम बता दी कि निरहुआ जे बाड़न, जी हाँ, आम्रपाली दुबे के एकदम का बताई। गर्मी में तो दिन अपन बिता दिल हम घरे, लेकिन जब जाड़ा में आम्रपाली दुबे की उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहे तो फरार होते रहन, यानी अपन घर छोड़ के बाहर जाते रहन। तो ये गाना में ना हमने के, यानी भोजपुरी के सेंसेशन गर्ल भोजपुरी अरे भैया आम्रपाली दुबे, वो गाना के जरिए से, जी हाँ, अपन दिल के दास्ता जो बा वो अपन निरहुआ के सुना रहल बाड़ी कि अगर तू जा तरह तो हमार खातिर जाड़ा के जुगाड़ करके जा। तो बहुत ही बढ़िया गाना बा, तनी अलग तरीके से गाना के शूटिंग कर गई बा। एकदम बोल्ड अवतार में भोजपुरी के ये एक्ट्रेस नजर आओ तरी, साथ ही निरहुआ और उनका केमिस्ट्री में जो मजा बा ना, वो कहीं और देखे के ना मिलेगा। कई बार ये जो जोड़ी बा बेस्ट एक्ट्रेस के और बेस्ट जोड़ी के भी अवार्ड ले चुकल बा। तो दर्शक लोग, रउआ लोग बताई कि रउआ लोगन के गाना कैसा लगा था कमेंट के जरिए। और देखत रही अस्मिता सिंह राजपूत के साथ जिला टॉप के रिपोर्ट विद कैमरामैन गौरव, हमनी के चैनल न्यूज 24 बिहार झारखंड के। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बिल्कुल मत भूली, उन्हें एगो बेल आइकन हुई ओके प्रेस करम, तो रउआ लोगन के भोजपुरी की हर खबर एकदम फटाफट अंदाज में मिली।